2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के द्वारा जो है तमाम जो उम्मीदवार जो है उतार दिए गए हैं। इस समय हमारे साथ सरदार कमलजीत सिंह अजराणा मौजूद है, जो पिहोवा विधानसभा से जो है भाजपा के उम्मीदवार है, उनसे बातचीत जो है करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप पिहोवा विधानसभा से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार जो चुने गए हैं, तो क्या कुछ रणनीति जो है रहने वाली है? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले अपनी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ, गुरु साहब जी का कोटान कोटान शुक्र। उस तो बाद मैं अपने हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास उन्होंने दिखाया, और मैं उनके विश्वास पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूँगा। सर देखिए, क्या कुछ एजेंडे जो है रहने वाले, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले जिनको लेकर आप जो लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, पिहोवा एक तीर्थ स्थल है, इसको विश्व के जो पूरे भारत के मानचित्र पर पिहोवा का नाम आना चाहिए। यहाँ पर महाभारत हुआ, ये कुरुक्षेत्र की हमारी धरती है, वहाँ पर सरस्वती की धरती है, हमारी एक पवित्र धरती है, उसके साथ साथ पंजाब के साथ लगती हुई धरती है। वहाँ से पता चलना चाहिए कि हरियाणा की शुरुआत हुई है। एक ऐसा सुनहरा पिहोवा बनाने का एक सपना है मेरा, और मैं सबको अपने साथियों को साथ लेकर एक सुनहरा सुंदर जो पिहोवा वो बनाने का जो मैं एक सपना लेकर देखा है, जो मैंने उसको बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। देखा गया है तकरीबन जो है 6 सीट जो है पिहोवा विधानसभा से अक्सर जो जीतती जा रही है, तो बीजेपी के द्वारा भी जो 2019 के द्वारा भी जो चुनाव जो यहाँ से जो है पूर्व में मंत्री रहे संदीप सिंह भी यहाँ से जीते थे, और अब फिर से जो है 1 सीट जो भाजपा के द्वारा जो है उतारा गया है। पहली बार ऐसा हुआ था कि 2019 के अंदर 1 सीट जो भाजपा के द्वारा जो है भाजपा उम्मीदवार जीता था, तो क्या कुछ लगता है आपको इस बार किस तरह का मुकाबला जो है रहने वाला? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और उसके में सबसे बड़ी पहली भागीदारी होगी जो पिहोवा की होगी, और जो सबसे बड़े मार्जिन से जो सीट जीती जाएगी वो पिहोवा की जीती जाएगी। कारण, क्योंकि वहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। हमेशा आज तक हरियाणा के अंदर ये रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार रही है उसकी हरियाणा के अंदर भी सरकार रही है, ये हरियाणा का रिकॉर्ड रहा है। यहाँ के समझदार लोग हैं, क्यों उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और मानयोग जो हमारे नायब सिंह जी सैनी हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो जिसकी कोई मुकाबला नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज सारे हिंदुस्तान में उसके मुकाबले का कोई मुख्यमंत्री होगा, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे को सीएम साहब। अब देखिए, हमारे साथ जो कमलजीत सिंह अजराणा, जिनसे हमने बातचीत की है, तो उनका एजेंडा यही है कि जो विकास कार्यों को लेकर जो भी कार्य किए जाएंगे उन पर जो है खरे उतरेंगे। कुशेत्रा से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज़ के लिए।